वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सभी लोगों से कहा है कि वो बजट से पहले अपने सुझाव दें, सलाह दें और सरकार उन्हें बजट में शामिल करेगी। 5 जुलाई को बजट पेश होना है और उम्मीद की जा रही है, जो मैं कहता भी रहा हूँ हर बार बजट के पहले और बाद में जो दिखता है और जिसको मैं एक तरह से ये कहता हूँ कि एक कंटिन्यूएशन का बजट होता है, यानी ऐसा नहीं है कि एक बजट में कुछ हो जाएगा, एक बजट में कुछ हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं होता है, वो कंटिन्यूएशन होता है। उसके हाईलाइटिंग पॉइंट्स, जिसको हाईलाइटर्स कहते हैं, मुख्य बिंदु जो अखबार में छपते हैं या टीवी पे जो ग्राफिक्स चलते हैं, सिर्फ वो बदल जाते हैं। तो अब मुझे इसीलिए लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, वही कंटिन्यूएशन का बजट इस बार भी निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री के तौर पर, महिला वित्त मंत्री के तौर पर पेश करेंगी, तो वो वही रहने वाला है। लेकिन उन्होंने चूंकि सलाह मांगी है, और वैसे तो ये है कि जिस तरह की चीज़ें हैं, और वैसे हम लोगों की सलाह के साथ साथ, जो सामान्य लोगों की सलाह के साथ साथ, एक वो कोशिश जो परंपरा है कि सबका एक सुझाव आ जाए, सलाह आ जाए, हिस्सेदारी बजट में हो जाए, देश के बजट में उनकी हिस्सेदारी हो जाए, तो उसके लिए परंपरा रही है और वो लगातार के हर वित्त मंत्री शुरू करते हैं बजट के पहले पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में हर क्षेत्र के लोग मिलते हैं, खेती से जुड़े लोग से शुरुआत होती है, फिर इंडस्ट्री के लोग मिलते हैं, और हर क्षेत्र के लोग अलग अलग जाकर वो अपने समूहों में मिलते हैं और उनकी जो सलाह होती है, उनकी जो मांग होती है, वो जो चाहते हैं, वो सब बजट में सरकार अपने कहें कि जो फिस्कल उसके कंस्ट्रेंट्स हैं, जो वित्तीय दायरा है उसमें, और जो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी के तौर पर हो सकता है, उसको सरकार कोशिश करती है, हर सरकार करती रही है, ये भी सरकार करेगी। तो वैसे तो ये है कि किसी भी, मैंने कहा कि इतने लोग कंसल्टेशन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है, अगर दो चीज़ें मैं वित्त मंत्री जी आपसे चाहूँ, तो हालांकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बजट में प्रोविजन करना है, कुछ बजट में नया नहीं प्रोविजन करना है, लेकिन ये दो वो चीज़ें हैं जिससे सरकार के कहें कि उसके काम करने की दिशा दशा दिख सकती है, गति पता चल सकती है। और जो दो सबसे बड़े सवाल हैं, जिसको एक हम कहते हैं कि किसान की जो उपज है उसकी कीमत ठीक नहीं मिल रही, तो अब इस पे पिछले 5 सालों में 2014 से 19 में बहुत काम मोदी सरकार ने किया है, और मैं इसीलिए बार बार उसका जिक्र करता हूं, पहले भी कर चुका हूं, कि एमएस स्वामीनाथन, प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन, जो खेती के इस देश में सबसे बड़े नामों में है, उन्होंने कहा, और उनकी जो सिफारिश थी, जो राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के तौर पर, तो उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने उन सिफारिशों को लागू किया है। तो वो बहुत लंबी लिस्ट है, उसको अगर हम बात करेंगे तो इतना काम हुआ है, उसका क्या हुआ, तो वो सब तो आप थोड़ा लंबी चर्चा हो जाएगी, एक एक पे घंटों बोला जा सकता है। इसी तरह एक दूसरी चीज है कि जो उद्योगपति हैं उनको कर्ज नहीं मिल रहा है, और उसके साथ लगे हाथ आता है, आज भी खबर है, लगातार खबरें आ रही हैं, आरबीआई की रिपोर्ट में है कि बैंक डिफॉल्ट बहुत बढ़े हैं, एनपीए बहुत बढ़े हैं। जब हम ये सब कहते हैं तो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इस तरह के चेहरे सामने आते हैं, लेकिन दरअसल सिर्फ इतना भर नहीं है, ये बहुत बड़ी कहानी है, और उस बड़ी कहानी का छोटा सा हिस्सा होता है, हालांकि वो प्रतीक बन जाते हैं, जिसको मैं ऐसे भी कहता हूं कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ये तय करेंगे मोदी सरकार की साख। और चूंकि सरकार उनको वापस लाने के लिए, उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए वो कार्रवाई करती दिखी और किया भी, इसलिए जनता का भरोसा 2019 में बनता दिखा। लेकिन अब आगे क्या, आगे सबसे पहली बात करें अगर हम, तो किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिल रही है क्या, इसका एक देश को एक व्हाइट पेपर जैसा देना चाहिए वित्त मंत्री को इस बजट में। यानी जो 2014 से 19 में जो प्रयास किए गए, और वैसे तो उससे जुड़े जुड़े ढेर सारे प्रयास हैं, बुनियादी सुधार करने की कोशिश की है बहुत, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। यानी कहीं से भी बैठा हुआ आदमी वो कहीं पे भी अपना सामान बेच सकता है, पंतनगर के आदमी को प्रयाग बेच सकता है, पटना खरीद सकता है, मतलब इस तरह से आप कहीं भी जाएं, केरल के कहीं सुदूर बैठा हुआ आदमी कर सकता है, कोयम्बटूर कोच्ची से बैठा हुआ आदमी कर सकता है, मुंबई में खरीद सकता है, ऐसे मतलब कहीं से भी, कोलकाता से बेचेगा, दिल्ली में खरीद लेगा, ऐसा कहीं भी कोई कर सकता है। उस योजना पर एक व्हाइट पेपर सरकार को देना चाहिए, वो व्हाइट पेपर ये होना चाहिए, हमने ये कोशिश की, क्योंकि 585 मंडियां जुड़ गई, सिर्फ ये बता देना, ये मुझे लगता है कि बहुत ठीक स्थिति उसकी पेश नहीं होगी। और अभी चूंकि प्रचंड बहुमत की सरकार है और जनता ने पूरी तरह से भरोसा किया है सरकार पर, तो सरकार को भरोसा बढ़ाने के लिए ये काम करना चाहिए, और इसमें बताना चाहिए कि हमने इतनी मंडियां की, उसमें क्या कारोबार हुआ। ठीक है, वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में ये नहीं करेंगी, लेकिन वो बता सकती हैं
कि बजट के इस वाले एनेक्सचर में यह है और आप जाके वहां सब कुछ देख सकते हैं। एक लिंक प्रोवाइड किया जा सकता है जिससे पता चल सके कि जो किसानों को उनकी उपज की कीमत देने की कोशिश है सरकार की, और वो बड़ी मतलब इसको आप ऐसे समझिए ना कि हम अपने गांव में कोई चीज जो उगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खुद खेत है, हम खेती करते हैं, और हालांकि हम अधिया पे खेती करते हैं, यानी जिसको देते हैं वो आधा वो ले जाता है, आधा हम ले जाते हैं, तो वो खेती करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो खेत है उसकी जो उपज की कीमत खेत पे है, और हम जो यहाँ जो नोएडा दिल्ली में रहते हुए जो यहाँ के मॉल में और बड़े बड़े जो रिटेल चेन्स हुई हैं उसमें, या अपनी ही सोसाइटी के बगल की जो मंडी है उसमें, वो भाव एकदम से बदल जाता है। ऐसे ही कोई सेब खरीदने होगा, ऐसे कोई अलग अलग चीजें हैं, लेकिन पहले तो सबसे पहले तो यही जो ये अनाज है और वो चीजें हैं उसका तो एक मैकेनिज्म बन सके, और वो मैकेनिज्म अगर बनता है कि कहीं का भी आदमी मान लीजिए एक हिस्से में बहुत वो चीज होती है, बहुत ज्यादा हो गया, तो दूसरे तो कम से कम इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और कीमतें न तो बहुत ऊपर जाएंगी न बहुत नीचे जाएंगी, जिसको बार बार कहा जाता है कि लगातार MSP बढ़ाते रहने से किसान को भी बहुत फायदा नहीं मिलता और कंज्यूमर को भी बहुत फायदा नहीं मिलता, नुकसान होने लगता है। लेकिन दरअसल में न तो MSP पे पूरा सरकार खरीद पाती है और सरकार खरीद भी नहीं सकती है। MSP समाधान नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है कि ठीक है कुछ दिन के लिए आपकी बीमारी है तो बुखार की दवा दे दें, अगर कुछ और है तो कुछ कुछ करते रहें, तो उस तरह की चीजें। लेकिन अगर कंज्यूमर के लेवल पे कहेंगे तो उसके लिए भी है, क्योंकि जैसे जैसे कहते हैं ना कि कहीं उसकी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता बढ़ती जाती है तो वहां बहुत महंगा होता जाता है। तो ये इस पे एक वाइट पेपर आना चाहिए और उसमें ये भी बताना चाहिए कि किस तरह के अनाज कैसे उनकी ग्रेडिंग के लिहाज से यानी गुणवत्ता के लिहाज से कैसे किस जगह के किसान को कीमत ज्यादा मिल रही है, उसका जीवन ज्यादा खुशहाल है। एक तो ये मैं वित्त मंत्री जी आपसे चाहूंगा। दूसरी जो एक बड़ी चीज है जो लगातार मैं मांग करता रहा हूं और उसको अभी फिर से करता हूं, हालांकि ये मुझे लगता है बहुत कठिन होगा, जैसे पहला वाला कठिन है वैसे ही दूसरा वाला कठिन है, कि आप इस देश में जो RBI बार बार कह रहा है, जो रिजर्व बैंक के नए पेपर में है, सर्कुलर में है कि वो करेंगे, लेकिन हर बैंक को अपनी ब्रांच के, मतलब इसको आप बड़े बैंक के लेवल पर मत कीजिए, ब्रांच के लेवल पर जो बड़े बकायेदार हैं उनको आप अलर्ट सिस्टम करेंगे वो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही उसकी एक लिस्टिंग भी होनी चाहिए, एक उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए और वो पता होना चाहिए कि किसी बैंक में किसी ब्रांच में अगर इससे ज्यादा किसी का कर्ज और उसके जो भुगतान का तरीका है उसमें कुछ असंतुलन आ गया है, कुछ गड़बड़ होती दिख रही है, तो उसको कैसे ठीक कर रहे हैं, और वो अगर वो सामान्य जानकारी 10, 5, 20, 50 ऐसा कुछ तय करें, उसकी एक लिस्टिंग कर सकें, तो वो एक बहुत जरूरी चीज होगी, क्योंकि उससे समझ में आएगा कि जो हमारी जो रुपए की या जो कहें कि करेंसी है जो जा रही है उसका फ्लो, उसकी ओवरऑल आउटपुट कितना है, यानी उसकी जो कहें कि प्रोडक्टिविटी है कि गया वो तो क्या वो गायब हो गया, क्या वो NPA बन गया, या उसी से ज्यादा बना और उसको बैंक को इतना ब्याज मिला, इंडस्ट्री को इतना फायदा मिला, उससे इतने रोजगार मिले, इस तरह की चीजें हो पाई। मुझे लगता है कि अगर ये दोनों काम हो गए इस बजट में तो वो और ढेर सारे बहुत से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, योजना के लेवल पर इस सरकार ने, जो पिछली सरकार का ही कंटिन्यूएशन है, बहुत सारा काम किया है। अगर वो थोड़ा बहुत भी होता रहा तो बहुत सी चीजें बदलेंगी, ज्यादा हो गया तो ज्यादा तेजी से बदलेंगी, कम से कम हम ये उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ये दो मूलभूत चीजें हैं जिसपे मैं उम्मीद करूंगा, अगर आप सलाह के तौर पर लोगों से मांग रही तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये इन दो चीजों पर सरकार बजट में व्हाइट पेपर ले आए, ये इंस्ट्रक्शन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो और इसको लागू कराकर दिखाए और ये बताए, क्योंकि ये सिर्फ लिख देना कि राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के पोर्टल पर कि इतने लाख टन का कारोबार हुआ, इतने लोग जुड़े हैं, इतने कमीशन एजेंट जुड़े हैं, इतने किसान, तो वो ठीक नहीं होगा। जैसे कई जगह ये भी आता है कि वहीं की मंडी के लोग वहीं जाते हैं और वहीं बेच के वहीं खरीद लेते हैं, तो ये प्रक्रिया भी बंद होनी चाहिए। प्रॉपर अगर वहां का आदमी खरीद ले रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए, जिसके लिए ये स्कीम लाई गई है वो होता हुआ दिखना चाहिए और उसको करते हुए दिखना चाहिए कि किस तरह से सरकार उसको कर रही है। अगर ये दो काम हो गए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इससे जुड़ी जुड़ी ही सारी चीजें हैं, चाहे वो खेती हो, महंगाई हो, किसान की आमदनी हो, रोजगार हो, मौके हो, इंडस्ट्री का चलना हो, निजी निवेश का बढ़ना हो, बुनियादी ढांचे ठीक होना हो।